फ्रेंड्स मैं उत्तम रोलीर आप देखना शुरू कर चुके हैं मेडगार पीपल्स वॉइस। बागेश्वर बाबा के भाई सालीग्राम मामले में अब भीम आर्मी और पुलिस आमने सामने होती नजर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि कई सारे ऐसे मामले हाल ही के अंदर कई सारे ऐसे मामले हुए हैं जिसके अंदर वीडियो वायरल होने के बाद किसी भी व्यक्ति को है वो गिरफ्तार किया जाता है। और खासतौर से मुझे राजस्थान की एक घटना याद आती है जब अपने बेटे के बर्थडे के अंदर एक पिता तलवार लेकर नृत्य कर रहा था, उस मामले के अंदर भी आपको बता दें कि व्यक्ति को है वो गिरफ्तार किया गया था। और इस तरीके की घटना यानी वीडियो वायरल होने के बाद स्वतः पुलिस संज्ञान लेती है और होती है। लेकिन यहाँ बागेश्वर जो बाबा है उसके भाई सालीग्राम का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो बंदूक लहराते, सिगरेट फूंकते, गाली गलौज करते नजर आ रहे हैं। उस वीडियो के सामने आने के बावजूद भी अब यहाँ पर जो है यहाँ की पुलिस है उसके SP ये कह रहे हैं कि वीडियो उसको केवल आधार है, वो नहीं माना जा सकता। पीड़ित परिवार जो कहेगा उसी को होगा क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और इस तरीके की बातें कही है। भाई भीम आर्मी के लोगों का कहना है कि अभी अभी मध्य प्रदेश के अंदर भी वीडियो वायरल होने के मामले में भी लोगों को गिरफ्तार किया गया है, तो फिर इस मामले के अंदर ऐसा क्यों दिखाया जा रहा है? जबकि SC ST एक्ट के साथ जो हथियारों का प्रदर्शन और फायरिंग के मामले में भी मुकदमा है वो दर्ज होना चाहिए, उस मामले में भी बाबा के भाई सालीग्राम की गिरफ्तारी होनी चाहिए। क्या कुछ पुलिस और भीम आर्मी के नेता कह रहे हैं वो सुनवाते हैं। की घटना है जहाँ पे 11 अगस्त को एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें हवाई फायरिंग को लहराते हुए देखा गया था। इसमें विभिन्न धाराएं जो मारपीट की थी, डराने धमकाने की थी या SC ST के तहत इसमें टाइमिंग की गई थी और चलानी कार्रवाई जल्दी से जल्दी की जाए। जो कट्टे चलाता हुआ वीडियो वायरल हुआ है, क्या उसमें भी कार्रवाई होगी? कट्टा जब्त होगा कि धारावाहिक? जो भी साक्ष्य सामने आएंगे, वीडियो को पूर्णतः आधार नहीं माना जा सकता क्योंकि वीडियो किसी ने प्राइमरी एविडेंस के तौर पे नहीं दिया है, सबके मोबाइलों में वो घूमा है। और जो भी परिवार बयान देता है, साक्ष्य देता है, उसी के अनुसार इसमें कार्रवाई की जाएगी। अब इस तरीके से ये जब्त होता है कट्टा भी, तो उसमें और धाराएं बढ़ जाएंगी हवाई जो फायरिंग हो रही है? इसमें प्रथम तौर पर मैं यही बताना चाहता हूँ, परिवार जो बयान देगा जैसे भी देगा उसी के हिसाब से कार्रवाई होती है। वीडियो जो आप बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, वो कोर्ट में एडमिसिबल कभी नहीं होता है। कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होता है कार्ती है, मान्य नहीं होता है। यदि किसी के पास ओरिजिनल वीडियो होगा वो उसको देगा, उसको लैब में भेजेंगे, फिर जैसे ही वो सर्टिफाइड होगा उसके बाद करेंगे। पर प्राथमिक तौर पर जो परिवार बयान देगा, जिस भी हिसाब से देगा, उसी के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। सर, इसके पहले भी बहुत से वीडियो वायरल हुए हैं कट्टा लेते हुए, तो उसमें तो पुलिस ने वीडियो के आधार पर ही मामले दर्ज किए। वीडियो के आधार पर कार्रवाई नहीं होती है, वीडियो के आधार पर तस्दीक होती है, फिर उसके आसपास जिन लोगों ने उसको देखा होता है उनसे पूछा जाता है, फिर जब व्यक्ति को अभिरक्षा में लिया जाता है उसके द्वारा उसका खुलासा किया जाता है, उसके बाद उस वेपन की रिकवरी होती है। अब तो पीड़ित परिवार के लोग बोल रहे हैं सर, कभी भी सोशल मीडिया के वीडियो के आधार पे 25-27 या फिर आर्म्स एक्ट नहीं लगता है। जब भी FIR होती है पहले मुखबिर सूचना प्राप्त होती है, उसके बाद टीम जाती है, जब वेपन की रिकवरी होती है उसके बाद FIR। अब तो पीड़ित परिवार और गांव के लोग बोल रहे हैं कि उनके साथ घटना हुई है और सालग्राम कट्टा लेकर आए थे, फायरिंग की थी। जी, इसमें वापस से मैं वही आपको रिपीट करूंगा, आर्म्स एक्ट की जो कार्रवाई है, अगर आप पुस्तक पढ़ेंगे, परिपत्र पढ़ेंगे, वेपन रिकवरी के बाद या साक्ष्य और जब निष्पक्ष तौर पे आते हैं तब उसमें बढ़ाई जाती है। है कि वीडियो के आधार पर कोई ऐसा साक्ष्य नहीं है, तो मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि एक खजुराहो में और एक डुमरा रानीपुरा का ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पे चला था, उसके माध्यम सोशल मीडिया पर चलने से ही उन लोगों को गिरफ्तार करके उन लोगों को जेल भेजा गया। और ये तो मतलब गाली भी दे रहे हैं और फायरिंग भी कर रहे हैं और मार उन्होंने मारा भी है, लेकिन अभी तक उन पर कोई 25-27 की धारा नहीं लगी और ना ही अभी कोई गिरफ्तारी की गई। SP साहब का कहना है कि जो ओरिजिनल वीडियो है कोई भी अभी फरियादी मेरे पास लेके नहीं आया है, और जब तक कोई फरियादी पूरे विश्व को दिख रहा है कि क्या है क्या नहीं है, ये तो अब उनका ताल मसूल का जवाब देना है और इधर उधर घुमा फिरा के बातचीत करना है, ऐसा कुछ नहीं है।